नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटी के आउटलुक की बात करें तो पहले ये हफ्ते की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है मसालों में और कैस्टर में, जबकि गवार सीड गवार गम साइड वे टू नेगेटिव रहा है और पूरे कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर भी हमने एक हलचल बनते हुए देखी है। ओवरऑल एग्री कमोडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मानसून की एक्टिविटी फिर से या वेदर कंडीशन डिस्टर्बेंस की वजह से मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि हायर साइड पे कहीं ना कहीं प्रेशर भी मार्केट में बनता है। सबसे पहले कैस्टर की बात करें, क्रॉप साइज काफ़ी छोटी होने की वजह से प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। हमने प्राइजेस को 6580 का लेवल भी छूते हुए देखा है। टेक्निकली मार्केट शॉर्ट कवरिंग में है और अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। 6500 के ऊपर जब तक होल्ड है, हमें लगता है 6650 तक के भी लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। वहीं मसालों के अंदर जबरदस्त तेजी हमने पिछले 2 सेशन में बनते हुए देखी, जिस ढंग से डैमेजेस की रिपोर्ट है, बट कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड पे हर्डल हो सकता है बिकॉज क्रूड की तेजी की वजह से कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। हल्दी की बात करें तो पूरे हफ्ते में 0.5% की तेजी देखी है फ्रेश बाइंग के चलते। वॉल्यूम भी अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग के चलते सपोर्ट मिला हुआ है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्राइजेस 9500 से लेकर 10500 के दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल्स पे बाइंग लौट सकती है बट 10500 का लेवल मैक्सिमम अपसाइड लग रहा है। जीरे की बात करें तो हमने देखा सोइंग काफ़ी कम है, एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव कर सकती है, गल्फ फूड के चलते डिमांड इंप्रूवमेंट रहेगा, बट 20500-600 का जो लेवल है ये हायर लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। संभल के ट्रेड करें बिकॉज फिजिकल मार्केट में इतना एडजस्टमेंट नहीं हुआ है जितना हमने फ्यूचर्स में देखा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म हमारा व्यू 25,000 का है बट फरवरी और मार्च में एक पुल बैक आना बहुत जरूरी है। आप टेक्निकली भी RSI देखेंगे तो 86 पे पहुंच चुका है जो ओवरबॉट का जोन बता रहा है। तो जीरा और धनिया कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में आ सकता है अगले हफ्ते, संभल के ट्रेड करें। धनिया में भी हमने 10540 का लेवल छूते हुए देखा है, 10900 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, प्राइजेस में पुल बैक देखने मिल सकता है। दोनों कमोडिटी पे व्यू न्यूट्रल टू वीक का रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू तेजी का है जहाँ पे धनिया में भी हम 18,000 का लेवल देख रहे हैं। गवार सीड गवार गम रेंज बाउंड है, टेक्निकल आप ट्रेड्स कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू अभी नहीं बनाइए। प्राइजेस 6,000 से 6500 के बीच में ट्रेड करेगा गवार सीड का, 11,200 से 12,500 के बीच में गवार गम। मेंथा ऑयल धीरे धीरे लोअर लेवल पे बाइंग लौटते हुए दिखाई देगी बट इम्पोर्ट ऑफ सिंथेटिक मेंथा की वजह से प्राइजेस में कोई बड़ा उछाल नहीं है। टेक्निकली 990 के ऊपर अगर प्राइजेस होल्ड करता है तो जरूर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। कॉटन के केस में देखें तो RSI 84 पे पहुंच चुकी है, जिसका मतलब मार्केट सीवियरली ओवरबॉट में है। शॉर्ट कवरिंग के चलते ये हफ्ते में हमने प्राइजेस को 2% की तेजी देखी है जो हायर साइड में 38,000 ऑलमोस्ट छू चुका है। टेक्निकल करेक्शन दे सकता है बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। ओवरऑल 40,000 का लेवल रहेगा क्रॉप साइज को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए। वहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर पूरे हफ्ते में 2% की गिरावट थी, लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते ये गिरावट बनते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकली 3,000 से लेकर 3400 का एक रेंज मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। डेयरी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कंटिन्यू चलते हुए दिखाई देगी। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 3,000 से 3250 का जो रेंज है इसी रेंज में अगले हफ्ते रहेगा। 3,050 के करीब मिलने पे कॉटन सीड ऑयल के एक लेके चल सकते हैं जो 3250 से 3280 तक का भी लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।